going to tell you a next trick of examples of Tidophyte, Chimno and Angiosperm. I hope आपको जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी वो समझ में आई होगी, आपको वो ट्रिक मेरी अच्छी लगी होगी। आज मैं जो है Tidophyte, Gymnosperm, Angiosperm के बारे में ट्रिक बताने जा रही हूँ आपको। Tidophyte जो होते हैं उसको चार पार्ट्स में, मतलब इसकी जो क्लासेस होती हैं उसको चार पार्ट में डिवाइड किया जाता है Tidophytes को, सिलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, स्पेनोप्सीडा एंड टेरियोप्सीडा। सिलोप्सीडा इसका जो एग्जांपल है उससे तो आप डायरेक्ट पता चल रहा है कि आप ऐसे ही याद कर लोगे, इसमें कोई ट्रिक नहीं बनाई है। और आई होप आप भी अपने आप इसको याद कर सकते हो। सिलोप्सीडा मतलब स्लोटम, लाइकोप्सीडा मतलब इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, ले आई सेल में से कपड़े, जो हम कपड़े ले लेते हैं बहुत बार सेल में से, तो उसके ऊपर बनाइए ले आई, ले मतलब लाइकोपोडियम और सेल मतलब सेलेजिला, ठीक है, सेलेनिजिला। और उसके बाद आपका आता है स्पेनोप्सीडा, स्पेनोप्सीडा के अंदर जो आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा इनो, इनो मतलब कि जब किसी को एसिडिटी हो जाती है तो हम उसको इनो देते हैं ना, तो हम इस हिसाब से मैंने इसको बनाया है, इनो दे दो इक्वल अमाउंट में, तो इनो मतलब कि स्पेनोप्सीडा इक्वल मतलब कि इक्विस्टम। उसके बाद आपका जो होता है Tidophyte आता है, Tidophyte में क्या होता है कि आदि टेरिस पे है, मतलब आदि नाम का कोई लड़का है वो टेरिस पे है, तो आदि मतलब कि आदिनतम और टेरिस मतलब कि टेरिस, और इसी से ही ड्राइवर टेरिस हो जाएगा। उसके बाद जो होता है Gymnosperm की ये है, मैं किसी को, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है मतलब किसी को हर्ट करने का, ना मैं किसी को ऐसे बोल रही कोई शायक हुआ है, तो आप इसको ऐसे पर्टिकुलरली उस वे में मत लेना, जस्ट मैंने एक ट्रिक के लिए इसको बनाया है। साइको ने पिन को सी में डाल दिया, ठीक है, साइको मतलब साइकस, पिन मतलब पाइनस, सी मतलब सिक्वा और डाल दिया मतलब सैड्रस। उसके बाद जो आता है आपका Angiosperm आता है, Angiosperm के अंदर आता है यूं, यूं वॉल्फ आ गया एनजियो में, ये जो वॉल्फ है मतलब भेड़िया जो है वो एनजियो के अंदर आ गया है, ठीक है, तो यूं मतलब यूकलिप्टस और वॉल्फ मतलब कि वॉल्फिया और एनजियो मतलब कि Angiosperm। फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो मेरी समझ में आई होगी और आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। थैंक यू।